वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीम चो, कसा का, हेलो एंड वेलकम, वड़कम, बराइट सुलगर, आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे गांव के बच्चे, कातली गांव के बच्चे किस तरह स्कूल पढ़ते, किस तरह आगे बढ़ते, किस तरह कठिनाइयों का सामना करते, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको जो पीछे नजर आ रही है, जिला परिषद मुकम्मल तैतानवी मरकजी मदरसा कातली उर्दू स्कूल, यहाँ पर पहली से लेकर सातवीं तक तालीम दी जाती है और आठवीं नवीं दसवीं ये आगे की पढ़ाई EBT इब्राहिम बाबा ठाकुर हाई स्कूल में की जाती है। तो हमारे गांव के बच्चे, कातली गांव के बच्चे किस तरह स्कूल में जाते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी है, आप लोगों को पूरा देखना है कि किस तरह जाते हैं, किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, या आप लोगों को देखना है, चलते हैं देखते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सिटी के बच्चों के लिए स्कूल बसेस होते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारे कातली गाँव के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिटी में पढ़ने वाले बच्चे या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे ही आगे कुछ कर सकते हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी EBT हाई स्कूल से पढ़े हुए कोई आज MBBS डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कैप्टन है, कोई टीचर है, कोई अच्छी अच्छी जॉब पर है, तो वो यही इसी EBT हाई स्कूल से पढ़ के गए हुए हैं। अगर अल्लाह का साथ हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। इन बच्चों को अल्लाह का साथ है। अभी यहाँ से स्कूल तक जाने का सफर 15 से 20 मिनट का है। आपल्याला सर्वत्र गारवा पसरवणारा पाऊस, पावसातील हिरवळ हे सगळं खूप आवडतं, होय ना? परंतु पाऊस, पावसामुळे जिकडे तिकडे दिसणारे पाणी, तुडुंब भरून वाहणाऱ्या नद्या यांची भीती वाटते, अशा काही घटकांचा विचार या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण करणार आहोत। पण हा राग, ही भीती निसर्गावर नाही तर ही भीती आहे अपुऱ्या सोयी सुविधांची, जीवघेणा ठरणाऱ्या नदी प्रवासाची। शिक्षणी काळाची गरज आहे, कारण आजच्या युगात शिक्षण म्हणजेच प्रगतीचं लक्षण। माझा इंडिया डिजिटल झाला आहे, चंद्रावर पण जाऊन पोहोचला आहे, शिक्षणाच्या क्षेत्रातही नवनवीन सुधारणा होत आहेत, या सर्व गोष्टी प्राऊड टू बी अन इंडियन म्हणायला भाग पाडत आहेत। मात्र दुसरीकडे हाच का माझा इंडिया हा प्रश्न पडला आहे। आजही बऱ्याच शाळकरी मुलांना नदीवर साकव किंवा पूल नसल्यामुळे होडीने प्रवास करत, पाऊस वाऱ्याचा जीवघेणा मारा सहन करत शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील व्हावे लागत आहे। त्यामुळेच शिकेल तोच टिकेल, यापेक्षा वाचलो तर शिकेन असाच विचार ही मुले करत असतील। वो कहते हैं ना, परिंदे रुकमत तुझमें जान बाकी है, मंजिल बहुत दूर है, उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया सारी अगर लक्ष्य पे तेरा ध्यान बाकी है। तो हमारे गांव से रोज़ 3 कश्ती जाती है स्कूल तक, बच्चों को पहुंचाने के लिए 3 कश्ती जाती है हमारे गांव से रोज़। कभी घर से निकलते हैं तो इन्हें बारिश नहीं मिलती, लेकिन बीच में अचानक इस समंदर में बारिश आ जाती है। टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं मिलते। टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में खुद तलाश करते हैं जुगनू अपनी रोशनी, किसी और के मोहताज नहीं होते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
आज की वीडियो यहीं पे खत्म हुई। कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरे लिए नहीं तो इन बच्चों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इन बच्चों के लिए। क्या बोलते फिर, खुदा हाफिज, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।